Hello dear students, welcome to the class today. In yesterday's video we discussed some of the basic concepts of macroeconomics, and today I am going to start with circular flow of income. I have already taught you this on Google Meet classroom, but I can say that if you want to see further, because Google Classroom has not been saved, so further for revision purpose you can see circular flow of income from this PPT. Let's start with circular flow of income. The things which we will study is different sectors, phases, real flow, money flow, leakage, injection, and two sector model. So first, circular flow of income. It refers to the flow of money income or goods and services across different sectors of the economy. हमारी पैसा या गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर घूम रहा हो. अब सबसे बड़ी बात, सेक्टर्स हैं कौन कौन से. वी आर हैविंग फोर सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी. एक सेक्टर हो गया गवर्नमेंट, एक हो गया हाउस होल्ड, एक हो गया फिनेंशियल मार्केट, बिजनेस फर्म्स. फिनेंशियल मार्केट की जगह पे तुम ये भी कह सकते हो कि एक हमारा, अगर हम इंडियन की बात करें तो ये हमारे सेक्टर्स हो गए, और अगर हम अब्रॉड को भी साथ में लगा दें तो फाइनेंशियल मार्केट को एक बार हम साइड में करके हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अब्रॉड है, वो हमारा जो है वो सेक्टर है. सो नाउ सेक्टर्स डिस्क्रिप्शन. हाउसहोल्ड सेक्टर, जिसमें ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब कहाँ से आते हैं? हाउसहोल्ड से आते हैं. और बिजनेस सेक्टर के अंदर ये जाते हैं. हाउसहोल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को लैंड प्रोवाइड करता है, लेबर की तरह एक्ट करता है, कैपिटल जाती है, और एंटरप्रेन्योरशिप भी वो हाउसहोल्ड से ही जाती है. और जब भी बिजनेस सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस करता है वो बदले में हाउसहोल्ड सेक्टर को जाता है, तो हाउसहोल्ड सेक्टर एक्ट एज अ कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस सेक्टर क्या करता है, इनसे हायर फैक्टर सर्विसेज लेता है, हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड, एंड मेक फैक्टर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड, बदले में इनको फैक्टर पेमेंट देता है. थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट क्या करता है, हाउसहोल्ड से और फर्म से दोनों से टैक्सेस कलेक्ट करता है, ट्रांसफर पेमेंट करता है हाउसहोल्ड को. ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या है, चाहे ओल्ड एज पेंशन देना हो गया, या फिर सब्सिडीज देना हो गया बिजनेस सेक्टर को, या बात करो स्कॉलरशिप्स देना हो गया, तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट है कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है हाउसहोल्ड को और बिजनेस सेक्टर को. सो सब्सिडीज टू बिजनेस फर्म्स और ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउसहोल्ड. चौथा सेक्टर मैंने आपको बताया रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का मतलब क्या, जो हम दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया के साथ जो हमारा लेन देन होता है, तो इट इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो ध्यान में रहे हमारे फोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द गुड्स एंड फॉर फैक्टर मार्केट्स. फैक्टर मार्केट्स मींस जो काम कर रहे हैं. तो अब ये देखो, हमें इन दोनों चीजों से एक चीज तो समझ में आती है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये हाउस होल्ड हो गया. नाउ व्हाट हैपेंड, कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है. अब सप्लाई करने के लिए ये तो चीज समझ में आ गई, प्रोड्यूसर सप्लाईज, कंज्यूमर डिमांड. अब हाउ द प्रोड्यूसर विल सप्लाई, प्रोड्यूसर हैव सम फैक्टर सर्विसेज. बदले में क्या करता है, ये गुड्स देता है, इनको गुड्स मिलते हैं, लेकिन अब ये गुड्स बनाता कैसे है, फैक्टर को डिमांड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को डिमांड करता है हाउसहोल्ड से. और बदले में क्या होता है, हाउसहोल्ड क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और यहाँ से हमारा प्रोडक्शन होता है, गुड्स हमारे पास आ जाते हैं. हाउ इनकम इज जनरेटेड, इनकम कैसे जनरेट होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट इनकम. पैसा कैसे बनाओगे, जब आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे तभी तो इनकम जनरेट होगी. अब इनकम जनरेट कर रहे हैं, फर्म को क्या चाहिए, कुछ भी बनाने के लिए फर्म को चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. टू प्रोड्यूस दीज गुड्स आई रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हियर आई मीन्स द प्रोड्यूसर इज टॉकिंग अबाउट दिस, कि प्रोड्यूसर रिक्वायर फर्म, फर्म रिक्वायर प्रोड्यूसर, रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन फेज, इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगा के प्रोडक्शन फेज बनाया. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब लग गए तो उनके बदले में उन्हें क्या मिला, इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी एंड वेजेस. और इस इनकम को उन्होंने आगे क्या किया, खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया. एक्सपेंडिचर के बाद फिर वही प्रोडक्शन. तो एक तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता ही रहता है, पहला प्रोडक्शन फेज, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर.
सो प्रोडक्शन फेज मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स. अब ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बनाना जिससे इनकम भी जनरेट हो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करो. इनकम फेज में क्या है, बिजनेस फर्म्स अर्न करती हैं, इनकम करती हैं. ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन फेज के अंदर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगा, उनको पैसा आएगा, उस पैसे से वो क्या करेंगे, वो लैंड पे रेंट देंगे, लेबर को सैलरी एंड वेजेस देंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा. तो उससे जो भी इनकम होती है उससे आ जाता है हमारा इनकम फेज. और इनकम फेज में आने के बाद हाउस होल्ड स्पेंड इट्स इनकम टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस वॉन्ट्स. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है, फिर से यहाँ पे बता रखा है, रेंट ऑन लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स टू एंटरप्रेन्योर एंड वेजेस टू लेबर. अब रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो वो होता है जब हम मनी की ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे लेकिन हम सर्विसेज या गुड्स को हम लोग इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं. लाइक फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज आर गिवन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स, फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स, एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द फर्म्स. वॉट इज मनी, मनी इसके एक्सचेंज में, रियल फ्लो के एक्सचेंज में जो मनी आती है वो मनी फ्लो है. फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड, एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म. गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने हाउसहोल्ड को बेचे, बदले में हाउसहोल्ड ने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया. जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैसे की फॉर्म में आया तो वो हो गया मनी फ्लो. अब इसको ध्यान से समझना, बिजनेस फर्म्स फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये सारा कुछ हाउस होल्ड को देते हैं. और हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, जो भी खर्चा, जो भी इनसे सामान खरीद रहा है उसके बदले वो पैसा दे रहा है. तो दिस इज मनी फ्लो. ये फैक्टर पेमेंट जो हुई है, फैक्टर पेमेंट किस चीज पे हुई थी, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है, क्यों हुआ है, जब बिजनेस फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिए थे. तो एक तरह से ये हमारा टू सेक्टर मॉडल ही चल रहा है, ये है हमारा रियल फ्लो. देन लीकेज और इंजेक्शन, एक नया टॉपिक. लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, देखो हम इससे समझ सकते हैं, जो चीज बाहर निकल रही हो वो लीकेज, जो चीज अंदर इंजेक्ट हो रही हो वो इंजेक्शन, जो चीज अंदर आ रही हो. ठीक है, STM का मतलब सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स. एस फॉर सेविंग, जब हमने अगर कुछ सेव किया तो पैसा हमारी इकोनॉमी से बाहर निकल गया, टैक्सेस गए तो इकोनॉमी से बाहर, इंपोर्ट किया तो पैसा दूसरी इकोनॉमी में चला गया. और इंजेक्शन क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा लगा रहा है हमारी इकोनॉमी में, इंजेक्शन हो गया. सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, इंजेक्शन हो गया. और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर आएगा, वो भी इंजेक्शन हो गया. तो लीकेज क्या है, लीकेज मीन्स विड्रॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ इनकम या मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. विड्रॉल का मतलब बाहर निकल जाना. इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाता है, ये पैसा हमारे उससे बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, सेविंग्स और इम्पोर्ट्स. STM. इंजेक्शन क्या है, एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है इसके ना एड होना, इससे हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का साइज बढ़ता है. एक्सपोर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, IGE. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. इफ यू वॉन्ट टू ग्रो द साइज ऑफ इकोनॉमी, अगर हमें इकोनॉमी का साइज बढ़ाना है तो इंजेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और लीकेज को कम करना पड़ेगा. लीकेज को कम करने का मतलब पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर कम लेकर जाओ और इंजेक्ट ज्यादा करो. क्लियर. अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे पास तीन तरह के होते हैं, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल. फिर से रिकॉल करवाते हो, फोर सेक्टर मॉडल, हमारे टोटल सेक्टर्स कितने हैं, फोर. कौन कौन से हैं, पहला सेक्टर हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो गया हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट एंड चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये चार हमारे सेक्टर्स हैं. बट ड्यू टू द रिडक्शन इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12 CBSE, आपके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है. अदरवाइज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल है. तो आई विल एक्सप्लेन हियर टू सेक्टर मॉडल टू यू. अब देखो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने पहले फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, ये ग्रीन दिख रहा है, फैक्टर सर्विसेज दी. इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स ने इनको फैक्टर इनकम दिया. फैक्टर इनकम क्या हुआ, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी एंड वेजेस एंड प्रॉफिट. और जब फर्म्स ने गुड्स बना लिए तो फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिए और हाउस होल्ड ने उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म्स को दिया. और बीच में फाइनेंशियल सेक्टर जुड़ा. फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउस होल्ड जो है अपनी सेविंग्स फाइनेंशियल सेक्टर में करते हैं और फर्म्स जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर से लोन की फॉर्म में जो है पैसा लेते हैं.
लोन फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा लिया और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया, प्रोडक्शन किया, अगेन गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया, फैक्टर इनकम दे दी उनको उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले में। तो ये है हमारा टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसको आप विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर भी कर सकते हो। तो यहाँ हमारा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होता है। नाउ जस्ट यू हैव टू टेस्ट योर नॉलेज। These are some questions. What is meant by circular flow of income? Differentiate between real flow and money flow. Define injection in an economy. Define leakages in an economy. And show diagrammatically two sector model of economy. So now this is test your knowledge. What you have to do is you have to write the topic, date, and you have to write these questions. These five questions you have to write along with your answers, and you have to send these questions in a PDF format on the group. I hope it is very much clear to you that you have to write the answers yourself and you have to send it to me. Earlier also I have explained it to you, you have to go through it through your books also so that it will you can study it very deeply. And if there is any problem you are facing, so your queries are always welcomed, and I want to see your PDF file, your knowledge in your PDF files. I want you all to complete your work and submit it on time. All the best. God bless you all.